किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्या नेचुरल से सत्यवीर सिंह, जो पलवल हरियाणा में है सत्या नेचुरल्स, और हमारा जो पपीता की खेती हम कराते हैं लोगों को, तो ज़्यादा काम हमारा पपीता का ही है। और लोग जो पपीता की खेती कराने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, सर आपका शेड्यूल बता दिया करें जिस एरिया में हम जा रहे हैं तो, ताकि हम भी मिल लें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से मेरे जो अपने शेड्यूलिंग होके रखेगी उसको मैं लोगों को पब्लिश करके रखूंगा, ताकि अगर कोई इस एरिया का कोई आदमी होगा या कोई भी अपना इंटरेस्टेड होगा तो आसपास के एरिया से हमसे वहां आके मिल भी सकता है, और हमारे प्रोग्राम्स को वो लाइव देखना चाहे तो, जो हम जाके काम कराते हैं या कैसे काम होता है, तो वो भी हम उनको ऑनलाइन उस टाइम पर ले सकते हैं। तो मतलब लाइव भी आप हमसे उन जगहों पर बात कर सकते हैं। तो मैं अभी से आज आपको बताना चाहूँगा, हमारा सबसे पहला जो आज का प्रोग्राम है, आज हम भटिंडा के लिए निकल रहे हैं, मतलब 23/7/2019 को मैं आज भटिंडा के लिए निकल रहा हूँ। शाम की मेरी ट्रेन है, कल सुबह मैं भटिंडा पहुँचूँगा। पूरे दिन मैं भटिंडा में रहूँगा, और भटिंडा में रहने के बाद में मैं आपको जो है 24 तारीख को पूरे दिन भटिंडा में हूँ, और 24 की शाम को वापसी निकलूँगा और दोबारा हम अपना नेटिव प्लेस पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं 25 यहाँ पे, मतलब ये बताना भूल गया, 23/7 को जो 24/7 को भटिंडा में होंगे, तो यहाँ पे हम लैंड का जो है चेक करने के लिए जा रहे हैं, और लैंड जो है उसको चेक करेंगे और पूरा जो है गाइडेंस करके आएंगे, जो हमारा वहाँ पे गाइडेंस होगा, जैसे उनको बताना होगा जिस पार्टी के यहाँ पे जा रहे हैं, ताकि उनको पूरा गाइडेंस मिल सके, और वो ज़मीन का या पूरा जो भी हम मिट्टी पानी वगैरह सारा चेक करेंगे और वो बताएंगे। इसके बाद में मैं जाऊंगा मेहसाना गुजरात में, यहाँ पे हमने पपाया का ऑलरेडी प्लांटेशन करा रखा है, पपीता बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं, और फल भी आ रहे हैं, पर कुछ पत्ते नीचे के जो हैं कुछ पीले पड़ रहे हैं, तो वो लोगों को जाके हमें उसका उपचार करना है। यूँ तो हम दवाई यहाँ से भेज भी दे सकते थे, पर उन लोगों ने बुलाया नहीं, सर आप आ जाइए, तो हम इसलिए जा रहे हैं। तो 25/7 को हम यहाँ से निकलेंगे, तो 26 की सुबह वहाँ पहुँचेंगे, 26 को पूरे दिन हम वहाँ पे होंगे, और 26 की शाम को हम राजधानी से वापस आ जाएंगे। आगे का प्रोग्राम हमारा ये है कि 28/7/2019 को हम होशियारपुर पंजाब जाएंगे, यहाँ पे हमें पौधे तैयार कराने हैं, तो वहाँ जाके हम पौधे तैयार करेंगे और सारा उनको गाइड करके आएंगे, सारी दवाई वगैरह उनको उपलब्ध करा के आएंगे, सब बता के आएंगे। तो मतलब प्रोग्राम इस तरह रहेगा कि 28/7 को मैं जाऊंगा, 29 को पहुंचूंगा, 29 को पूरा दिन होशियारपुर में होंगे, और 29 की शाम को वापसी करेंगे, और वापस 30 तारीख को मतलब यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हमारा 2/8/2019 को हम बॉम्बे जाएंगे, मतलब सुबह की फ़्लाइट है हमारी, तो 2/8 को हम बॉम्बे में होंगे, और उसके बाद वहाँ से हम मनगांव चले जाएंगे, 3/8 को हम मनगांव में होंगे, उसके बाद में 4/8 और 5/8 का हमारा जो प्रोग्राम है वो गोवा का है। तो ये हमारा शेड्यूलिंग वहाँ पे होके रखा है, वहाँ भी हमने प्लांट तैयार कराने हैं, तो ये बॉम्बे में हमें जो लैंड का चेक करना है, मनगांव में हमें प्लांट तैयार करानी है, और गोवा में भी हमें लैंड चेक करनी है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो आप वहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं, और इन सभी जगहों के हम आपको वीडियो भी शेयर करेंगे। तो अगर आपको इनमें से कहीं पे भी कोई भी आप लोग कहीं भी किसी जगह से हों तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम को आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये मेरा 23 तारीख का प्रोग्राम है, और इसको हम अपने उसमें भी डाल देंगे, जो हमारा आपको फ्रंट पेज जो आपको दिखाई देगा उसमें भी ये आपको दिख जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से इसको दिखा देता हूँ। और रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये भटिंडा का प्रोग्राम है, इसके बाद ये मेहसाना गुजरात का प्रोग्राम है, इसके बाद में ये होशियारपुर पंजाब का प्रोग्राम है, और इसके बाद ये बॉम्बे मनगांव और गोवा का प्रोग्राम है। मतलब गोवा में से हम 6 तारीख की सुबह चलेंगे, हमारी फ़्लाइट सुबह की है, और 2 तारीख को हम यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे
बाई एयर जाएंगे तो मतलब पूरा दिन 2 तारीख भी लगेगा और 5 तारीख भी वहीं पहेंगे, 2 से लेकर 5 तारीख तक हम उसी एरिया में है पूरा। तो किसान भाइयों नमस्कार, और आगे से हम इसी तरह से आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे, वीडियोज भी शेयर करते रहेंगे और हमारे परफॉर्मेंस के बारे में भी आप लोगों को हम जो रहेगा वो सब बताते रहेंगे। तो नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत।